ये दे भैया हार लगा लेगा मशीन ठाल बड़ी वाली मैं तो ही नहीं यहाँ पे मैं अपने काम तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अभी हम दूसरा ब्लॉग में शुरू कर रहे हैं और दिखाते हैं क्या चल रहा है पापा मम्मी बड़ी मम्मी उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो डर रहा है आते ही बच्चा गायब होगा हमारे पास से पापा हर बार में फिल्में ले रहे हैं अपनी चाल रही है उनकी बातें आपस में गप्पे सप्पे और यहाँ पे आ गई कॉफी तो हम दोनों जने मैं अंदर हूँ अंदर आ गई थी एसी चला रहा था बाहर बहुत गर्मी लग रही है अंदर आते ही अपना एसी चला दिया और यहाँ पे बैठे अब कॉफी पियोगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपको बस शाम के बज गए 6 और मैं और मित्तू अभी सामान उतारेंगे और क्योंकि रात को फिर हम बैठे रहते हैं लेट हो जाते हैं फिर काफ़ी लेट जाते हैं फिर एमी को लेके जाना इतना सारा सामान हो जाता है तो हम दोनों क्या करने वाले हैं हम दोनों गाड़ी से सामान उतारेंगे जो अपना सामान है उसको ऊपर पहुँचाएंगे ठीक है जी चलिए ये वाला झूला ना ये दादाजी की याद दिलाता है सबसे ज़्यादा जब भी मारती थी ना झूला बाहर डला होता था दादाजी इस पर बैठे होते थे मिस यू दादाजी गाड़ी कितनी चमकने लग रही है वैसे देख ले यहाँ तक काली कती कोई रेत रात कुछ नहीं है और ये ना अमरूद का पेड़ है इस पे देखो कितना फल लगा हुआ है हे भगवान ये बड़ा कब होगा कब खाऊंगी मैं देखो इस पे लाल वाले अमरूद लगते हैं अब की बार तो मैं बहुत सारे अमरूद खाऊंगी भाई और ये मेरे पति लंगड़े देख लो लंगड़ा त्यागी हो रहे ये इन्होंने ना वो करी थी क्या करी थी लेग की एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप सामान धर रहे हैं पहले गाड़ी तो उतारा दिखाऊंगी कितने स्टेप करे हैं वह गाड़ी रही गाड़ी तो उतार के पहले यहाँ रखा यहाँ तो फिर हमने यहाँ रखा यहाँ तो पहले इस सीढ़ी पर दहाँगे ये वाली सीढ़ी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है इस पर नहीं ये ऊपर से डालना जो बड़ी वो है अब यहाँ रखते हैं अब यहाँ तो फिर अंदर जाएगा हमारा सामान तो ये तो ध्यान दे मुँह की बोल मेरे पीछे पीछे आ गई ये यहाँ पर जिस कौन से बच्चे की रह गई होगी नणंद के बालका की बोल इसके साथ खेल रहा है के साथ ही खेल रहा अपने पापा के पास मैं और मम्मी जा रहे हैं ऊपर तो मैं और मम्मी आ गए थे ऊपर ये देख लो आवाज लगा रहे हैं अपने बेटे को टिंकू वो सुना नहीं अंदर रूम में ए जीजी आ जी देखो इतने दिन दरवाजा वगैरह ना खुलता ना हमारा देखो रे तुम्हारे घर में यो एंट्री है सामान रखा है अभी अभी गेट खुला गेट भी देख लो कितना रेत जमा पड़ा है जबरदस्त वाला एक झाड़ू जोड़ो करा साथ में अंदर रूम यहाँ तो फिर थोड़ी कम मिलेगी वैसे तो हम पूरा सेट करके जावा जब भी जावा ना बट फिर भी ये देखो वैसे तो कती में सारा जब गई ना झाड़ू पोछा करके कती चमका के बिल्कुल ऐसे सेट करके गई थी पर्दे वर्दे अड़ा के हैं और ये देख लो सेट करके गई थी और एक बार दोबारा तो झाड़ू निकलेगा रेत हो रहा होगा ये देखो रेत हे राम बहुत तेज वाला देखो ये झाड़ू काटेंगे तो डस्टिंग करेंगे पोछे का टाइम मिला तो पोछा नहीं पोछा कल हो जाएगा ये देखो नई टेबल काल 6 महीने बाद खुला पूरा रूम कुआ पूजन पे खुला था है दिवाली दिवाली पे ये देख लो हार बाथरूम का भी सड़ा सड़ा लागेंगे निपटा देंगे जल्दी जल्दी ये देख भैया ये देख दूध ने टपका दिया देख एक बार दूध पिया खेचा कर दिया ना एक बार मुंह का लगावे मग्गा हटाया नहीं पूरा खत्म कर गया मैंने तो नहीं मैंने 1,00,000 रुपया दिए दूध पीले तो ही कोई भेजा मेरे से मेरे तक फ्री में देवा मार के पी ले भाई भैंस का दूध नु थोड़ी मिला है वो भी कती प्योर दिखा दे मुछा लाग रहा देख इन्हें साफ तो कर लेती तो देख लो चादर वादर सब सेट कर दी है पति सारा चमका दिया देख लो कितना रेत था उस टेबल पे मम्मी ने हेल्प करवाई पोछा को नहीं हो पोछा तड़के करेंगे डस्टिंग और झाड़ू होगी हर जगह की सब अच्छे तो हो गए देखो इधर दरवाजे का अंदर था ना यो भी चमका दिया डस्टिंग टन हो गई और नीचे अपनी चाची के साथ खेल रहे मम्मी मान ली के चाल थोड़े और रील निकाल कर डाल ली चप्पल सही है
सूट रहने वाला है वो ये है। आप देख लो कितना प्यारा सूट लग रहा है ये। इसमें भी और आपको कलर मिल जाएंगे, और ये भी आपकी 1500 की रेंज तक का ही सूट है। ठीक है, सारे सारे आपको कम रेंज के ही दिखा रही हूँ मैं। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस पता करना है तो व्हाट्सअप कर लेना। इसका मैं आपको बॉटम दिखा देती हूँ अभी। ये रहेगा इसका बॉटम, ये है सूट की फुल लुक, एक बार दोबारा से देख लो। और ये है इसका प्यारा सा दुपट्टा, फुल दुपट्टा है ये देख लो, जिसमें ये छोटे छोटे स्टोन का लगे हुए हैं बिल्कुल ही, और कोने एक साइड हो रखी है ये, दोनों साइड लेस है, दोनों साइड। ये देखिए ये दुपट्टा रहेगा, ये इसके कलर है। तो अगला ये वाला कलर आ गया, आपको फोन में पता नहीं कैसा दिखाई दे रहा है, ये डार्क पिंक कलर है और ये है ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन नहीं बोलेंगे इसको, कौन सा कलर बोलते हैं, दिस इज भाषा में बोलते हैं घियारंगी। ये घियारंगी कलर है भाई, देख लो। ये इसकी बॉटम रहेगी और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे ना मतलब पूरा सूट खिला दे है, देख लो एक बार दुपट्टा देख लो भाई। मन नहीं की बारी जो कलेक्शन लेकर आए ना, चार पांच सूट अलग छाट दिए हैं, तो मैं चार चार पांच के चार पांच ही रेडी करवाऊंगी। एक बार सूट और दिखा दे, अच्छे दिखा गए लाइव। इस बात पे फिर सूट भी देख लो, तकी साला का यो सूट देख लो, कलर में है ये डबल कलर, इसमें कलर आपको और भी मिल जाएंगे, डबल कलर में है ये, फुल कलर अवेलेबल है। एक बार इनकी लेंथ बता दो, सब की व्यू मैसेज आओ, इनकी लेंथ कितनी का फुल साइज होता है, लेंथ तो कितना भी कितने भी हाइट 45 देख लो, मेरी हाइट कितनी है ठीक है ना, मैं ज्यादा छोटी ना लंबी, अब मेरा यूं यहां आ रहा है तो अंदाजा लगा लो कितनी हाइट है। ठीक है, ये देख लो मैंने लगा के दिखा दिया बिल्कुल अपने कंधे पे। ठीक देख लड़के के कितने मजे हुए ना यार, यो आराम तो आया ना जब कल लेटा है और मैं इतना काम निपटा का आई हूँ, पर ये मजे हुए। तो दूध पीने का की है, मैंने भूख लाग रही कई देर हो गए, मैं ऊपर गई ना उससे कुछ दूध वूध पिलाऊंगी, पिए गए कुछ देखूंगी, कुछ खिलाऊ कुछ तो करूंगी, खिलाऊंगी लाऊंगी। और मेन जो काम करने गई थी ना ऊपर वो भूल गई, मैंने लिपस्टिक लगानी थी वह ना लगा का आई। मन तो जो खाण में नखरा करे ना वो आदमी कति अच्छा ना लग गया करे। ये लड्डू है बात क्या रहे हैं, तूने पूछा किसके तारे हैं, पहले नू पूछ खाओ किसके तारे। वाह भाई वाह, सिर्फ अपने मतलब रिश्तेदार है खास कर बाहर के नहीं। एमो को नई गाड़ी मिली है देखो कैसे देख रहा है, मेरे को तो ये था ये घर को देख देख के रोएगा ऐसे करेगा, बट ठीक है उतना ज़्यादा नहीं रहा, रो तो रहा है उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। और मैं जो है ना बस थोड़ी सी देर अभी रेस्ट करूँगी, एक पिल्लो दे दो अगर हो तो, और फिर उसके बाद जो है कुछ रोटी सब्जी का देखेंगे, मैंने पता नहीं के बनाएगी, फिर देखेंगे के बनाएगी, बनाऊंगी खाऊंगी। तो एमू ने भी थोड़ा बहुत खा लिया, और अब इस टाइम नहलाते नहीं, इसकी डस्टिंग करती हूँ, तो गर्म पानी ले आई, रुमाल ले आई, इसको पूरा साफ करके दोबारा से इसको पूरा क्रीम व्रीम ये वो लगाऊंगी, फिर ये अपना नाइट के लिए तैयार हो जाएगा। जिस टाइम सोएगा फिर टेंशन नहीं है, फिर करूँगी मम्मी की हेल्प शायद खाने वाने में, मम्मी रोटी रट्टी के कर रही है, मतलब सब्जी वब्जी देखेंगे क्या बनाएंगे क्या नहीं, फिर वो करेंगे काम। छोटी भूख लग गई थी तो छोटी भूख के लिए तरबूज चलेगा, मैं भूख कर दिया रेडी, बस ये खा के फिर घुसूंगी किचन में। गांव में आने के बाद तो पूरी वैसे सी हो जाती है ना, मतलब टाइम टू टाइम है ना, इस टाइम ये इस टाइम ये इस टाइम, एक टाइम सा फिक्स हो जाता है। एमो एमो बार दादाजी वेट कर रहे हैं, बड़े दादाजी वेट कर रहे हैं आपको लेने का। तो ऊपर की चादर तो चेंज कर दी थी, अब यह चादर बिछाऊंगे क्योंकि इस पर भी रेत वेत पड़ा होगा, इस करके इसका एक तकिया तो दूसरे रूम में है। अरे यो पिल्लो कवर मतलब निकाल लिया, चादर कर दी डन, अपने दादाजी साथ दरिये माँ बेटा थे के करन लाग रहे की के करो फ्रिज में है, के करन लाग रहे हो फ्रिज में है, के करन लाग रहे हो फ्रिज में है। मम्मी मशीन में चित्र डाल रखी है वे निकाल है, मैं पति देव की डिमांड आई है पनीर चिल्ला खाना से।
गाइस यहाँ पे बन रहा है पनीर चीला, और मुझे लग रहा है खीरा बहुत बड़े बड़े काट लिया आपने। तो वो नहीं है ना यहाँ पे काटने वाला, हाथ से तो ऐसे ही कटेंगे और बड़े बड़े। अच्छा जी, मशीन जो होती है क्या बोलते हैं उसको, आरा मशीन। पापा बड़े पापा तो मंगवाना पड़ेगा, पापा तो कहने बड़ा ही पाए चक्कू काम ना कर रहा है, धार लगा लेगा बाबा। मशीन ठा लो बड़ी वाली, ला भाई मेरे दे मैं दिखाऊंगा धार लगा के किस तरह लग गया करे। और वो दाल वाला भी है, वो घुमाने वाला भी नहीं है। मैं तो ही नहीं यहां पे बाबा रे भाई, आ जा 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 कैसा बना मस्त वाला टेस्ट कर लिया उन्होंने, बन गया। और पहले वाला टिड्डा बना था अब बढ़िया उतरे, पहले वाला बिगड़ता है मेरे से। बाकी सबके लिए रोटी बन रही थी, बड़ी इतना ज़्यादा बन गया मेरे को लग रहा है एक एक सबके हिस्से आ जाएंगे। और ये सिक्का सब्जी कोई नहीं खाएगा, सब खाएंगे लाल चटनी, क्योंकि हम खुद भी ना रोट सब्जी खा खा कर थक लिए तो आज चटनी के साथ खाएंगे। यार ये सीखने में इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना, अभी भी देखो इतना बाकी है सीख रहे हैं। फाइनली एक घंटे बाद में फ्री हुई हूँ सीख के सारे। मैं अपने काम तो फ्री होकर आई थी। के छुपावे तो मम्मी इसने रोटी बना दी या रोटी बना लग रही थी, और मैंने चिल्ला बना खड़े खड़े मेरी रैली निकल गई। ओ ए इतनी मोटी रोटी, ये तो भैंस की बनाई सर। लास्ट काटा बच गया होगा ना, तो मार भैंस दूध कौन दे बिना रोटी तोड़ के नहीं गिर रहा करूंगा। अच्छा तो लास्ट की दो रोटी मोटी करिए, हम खावांगे चटनी के ला रोटी। अच्छा ठीक है, तो बड़ी मम्मी ने ना देखो कितना सारा घी इधर का रोटी दी है। इवनो कमेंट मत करियो घी खा का आ जाओ हो, पिछली बार नहीं कह रहे था मीन बेचारा का जाओ हो इनका घी रोटी खाओ कि मैं करते को ना। हेलो ऊपर आ गए, एमी को सुला दिया, हमारा एसी काम नहीं कर रहा। मैं तो देख रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है, गर्म हवा फेंक रहा शायद या पता नहीं चल नहीं रहा। और अब बस कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं बैंड। लेट हो गए और बहुत ज़्यादा थक गए, मेरी तो नींद पूरी नहीं हो रही। तो सूट कैसे लगा आप लोगों को, नंबर दोबारा से डाल दूँगी, चाहिए तो आप ऑर्डर प्लेस कर लेना। बाय बाय।